पिछले 9 दिनों से शक्ति कंपंप कंपनी में धरना दे रहे मजदूरों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के समय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। दिक्कत होगी 250 श्रमिक धरना दे रहे थे यहाँ, जिनमें से 100 श्रमिक कारखाने के अंदर मशीनों पर बैठे थे और 150 गेट पर बैठकर धरना दे रहे थे। प्रशासन द्वारा इन्हें समझाइश दी जा रही थी, लेकिन यह लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। आज नहीं मानने पर इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीथमपुर के सेक्टर 3 में स्थित समरसिबल पंप बनाने वाली शक्ति पंप कंपनी में चल रहा 9 दिनों से विवाद आज खत्म हो गया। तकरीबन 250 से अधिक श्रमिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। श्रमिकों की लंबे समय से वेतन वृद्धि और स्थायी करने की मांग थी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए श्रमिक कंपनी परिसर के अंदर मशीनों पर बैठे हुए थे और 150 से अधिक बाहर बैठे थे। करीब 9 दिनों से एसपी, कलेक्टर, एडीएम और बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोशिश विफल रही। प्रशासनिक अधिकारी श्रमिकों को समझा रहे थे कि आप कंपनी परिसर से बाहर हो जाएं, लेकिन श्रमिक नहीं माने और अपनी मांगों पर अड़े रहे और धरने पर ही बैठे रहे। आज धार कलेक्टर और एसपी करीब 300 पुलिस के जवानों के साथ कंपनी के अंदर घुसे और तकरीबन 250 से अधिक श्रमिकों को कंपनी परिसर के अंदर और बाहर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं धार कलेक्टर का इस और घटनाक्रम पर कहना है कि ऑनलाइन ऑर्डर बरकरार रखने के लिए हमें कदम उठाना पड़ा। कई दिनों से समझाइश दी जा रही थी, लेकिन मजदूर नहीं माने। गुड्डू रोड तारीख कर ढाल न्यायालय भेज दिया गया है। हम कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बीच समझौता करवाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन ने हमें ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया है, जबकि हम तकरीबन 10 सालों से कंपनी के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। आज प्रशासन ने हम पे दबाव बनाया और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे और कल हमारा श्रमिकों का एक दल मुख्यमंत्री से मिलेगा। भारतीय न्यूज़ के लिए पीथमपुर से अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट। इसलिए आज विभिन्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के द्वारा एडीएम और एडिशनल एसपी धार के नेतृत्व में वहाँ उन लोगों से चर्चा की गई और उनको बताया गया कि आपका जो यहाँ पर धरना है वो अवैधानिक है और ये क्रिमिनल ट्रेसपास भी है, सेक्शन 144 का भी वायलेशन है। जब वो नहीं उठे तो उनको एहतियातन गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। फैक्ट्री के अंदर लगभग 93 मजदूर थे जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो फैक्ट्री के बाहर बैठे हुए थे उन्हें भी शांति अब वो भंग नहीं करेंगे इस आशय के उनसे बंद पत्र भराए गए हैं और उनको मुचलके पे छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन से भी चर्चा की गई है और मजदूरों से भी बात की गई है। हमारा प्रयास होगा कि प्रबंधन और मजदूर आपस में बैठ के चर्चा करके इस समस्या का निराकरण करें ताकि पीथमपुर में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे और इंडस्ट्रियल पीस भी कायम रहे। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विगत 9 दिनों से गतिरोध चल रहा था और कई स्तर पर जिला प्रशासन, अनुविभाग प्रशासन सभी ने उनसे बात की। लेबर कमिश्नर, लेबर ऑफिसर सभी ने बात की, लेकिन वो सलूशन निकला नहीं। और कम से कम 90 लोग पैमाइश के अंदर ही बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो असंवैधानिक था। काफ़ी समझाइश के बाद भी जब नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया। सर, कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया? कुल 186। अच्छा, किन धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किया? ये इनके खिलाफ एक प्रकरण 447, 448, 147 के प्रकरण पंजीबद्ध था, उन धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 116 भी की गई। अच्छा सर, कुल कितना पुलिस बल लगाया गया? ये धार जिले से 2 अनुविभागीय अधिकारी, 6 TI और 12 सब इंस्पेक्टर और पुलिस लाइन और थानों के जवान, करीब 60-70 जवान यहाँ बुलाए गए थे।